यूपी में रातों रात फिर 9 आईएएस व 2 पीसीएस के तबादले। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रदेश सरकार ने 9 आईएएस व 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आईएएस अधिकारी राजेश कुमार पांडे को जालौन का नया डीएम बनाया गया है। वहीं मार्कंडे शाही को कार्यवाहक श्रमायुक्त के पद पर तैनाती दी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने देर रात 11 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। जालौन की डीएम चांदनी सिंह मातृत्व अवकाश पर जा रही हैं। शासन उनके स्थान पर विशेष सचिव कृषि उत्पादक आयुक्त शाखा व संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम ग्रामीण राजेश कुमार पांडे को जालौन का नया डीएम बनाया है। वहीं पांडे को सितंबर 2020 में मऊ के डीएम के पद पर तैनाती दी गई थी, लेकिन वह ज्वाइन करें इससे पहले ही तबादला आदेश संशोधित हो गया था। वहीं 3 वर्ष के इंतजार के बाद उन्हें फिर मौका मिला है। श्रमायुक्त कानपुर का अतिरिक्त प्रभार कानपुर के मंडलायुक्त के पास था। शासन ने जिम्मेदारी विशेष खाद्य एवं रसद तथा नियंत्रित विधिक बांट माप विज्ञान विभाग मार्कंडेय शाही को दी है। वो 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।